हेलो गाइस, बहुत महीनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूँ और एक नया जर्नी ब्लॉग लेके। आज हम सफर करेंगे 12987 शियालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो हर रोज रात के 10:95 पर शियालदा से खुलती है और अगले दिन रात के 11:15 पे जयपुर पहुँचती है और अपने गंतव्य अजमेर ये रात के 1:45 पर पहुँच कर अपना सफ़र ख़त्म करती है। और सामने आप देख सकते हैं शियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे शंट हो रही है दार्जिलिंग मेल, जो रोज़ाना शियालदा से हल्दीबाड़ी के बीच में चलती है। ये है हमारा A1 कोच, जिसमें हम शियालदा से जयपुर तक ट्रैवल करेंगे। तो चलिए आप लोगों को एक बार 2-tier AC का कोच का अंदर का सफ़र करवा देते हैं। कुछ कचरा नीचे मत फेंकिए, कुछ टॉयलेट गंदा रहे तो बोलो। हमारी जर्नी होगी जयपुर तक। इस 24 घंटा 20 मिनट के जर्नी में ये ट्रेन धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर, टुंडला, आगरा फोर्ट, भरतपुर के रास्ते जयपुर पहुंचेगी टोटल 19 हॉल्ट्स लेते हुए। रास्ते में बहुत सारे ट्रेन्स के क्रॉसिंग देखेंगे और बहुत सारे ट्रेन्स को ओवरटेक भी करेंगे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ जर्नी स्टार्ट करने के लिए और आप लोगों को भी वर्चुअली ट्रैवल कराऊँगा मेरे साथ। और ये हूँ मैं। और सामने आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग मेल डिपार्ट होने के बाद अभी पदातिक एक्सप्रेस को शंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। जयपुर तक का पूरा ब्लॉग दो पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट शियालदा से मुगल सराय और दूसरा पार्ट दीनदयाल उपाध्याय मतलब मुगल सराय से जयपुर तक। तो चलिए इस शानदार सी जर्नी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ ही देर में शियालदा अजमेर एक्सप्रेस शियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 13 से रवाना होगी। तो फाइनली 4 मिनट की देरी के बाद वेब 7 एक लंबा हॉर्न करके शियालदा अजमेर को लेके डिपार्ट कर रही है। तो शियालदा अजमेर ने शियालदा छोड़ने के कुछ ही देर बाद पूरी रफ्तार पकड़ ली है और अभी हम स्किप कर रहे हैं विधाननगर स्टेशन रोड को।
है दक्षिणेश्वर स्टेशन और इसके बाद ही हम क्रॉस करेंगे हुगली ब्रिज को। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए हुगली रिवर की क्रॉसिंग को देखने के लिए। हम अभी स्किप कर रहे हैं डानकुनी जंक्शन को और दूसरी तरफ खड़ी है अंगा एक्सप्रेस जो डानकुनी बिफोर टाइम पहुंच चुकी है। इसके बाद हमारी ट्रेन 130 की रफ्तार पकड़ेगी, तो चलिए एंजॉय करते हैं कुछ हाई स्पीड एक्शंस बर्धमान तक। अभी हम पूरी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं कामारकुंड स्टेशन को। करीब 2 मिनट की देरी से अजमेर एक्सप्रेस बर्धमान पहुंच चुकी है और यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी के लिए यहीं पर रखते हैं हम और मिलते हैं आप सब लोगों से अगले दिन। तो अभी हम पूरी रफ्तार में क्रॉस करेंगे भुवनेश्वर राजधानी को जो कि न्यू दिल्ली से आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग हमारा डिपार्चर हो रहा है गया जंक्शन से।
और ये गजब के हॉन्किंग के साथ अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अनुग्रह नारायण रोड को क्रॉस कर रही है एक्सेलरेट करते हुए। इसी जगह से शुरू होता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं सोननगर जंक्शन को। हम अभी क्रॉस करने जा रहे हैं सोन नदी को। तो अजमेर शियाला सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही देर में देहरी ऑन सोन पे अराइव करेगी, तो देखते हैं देहरी ऑन सोन का अराइव। अजमेर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है।
कितना रुपया जो है पेमेंट किए थे इंडियन ऑयल पंप को, तो एक बार उसको भी मिला दीजिए कहीं छूटा है तो। आपको भेजा था मैंने, अभी दो दिन तीन दिन पहले ही शायद मैंने किया। अच्छा, और ये भी भेज दे रहा हूँ आपको। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सासाराम जंक्शन। पूरी रफ्तार से श्याला अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है ओडिशा संपर्क क्रांति को, परंतु कुछ ही देर में ओडिशा संपर्क क्रांति हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके पहले दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। तो चलिए देखते हैं इन दोनों ट्रेन का पैरेलल रेस। तो अभी हमारी क्रॉसिंग होगी अमृतसर शियाला जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के साथ। और ये आप जो सामने ट्रैक देख रहे हैं, ये वाला ट्रैक आ रही है पटना से
ठीक है आ जाइए। और हम कुछ ही देर में अराइव करेंगे मुगल सराय, जो कि अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो धीरे धीरे रेंगते हुए हमारी ट्रेन अभी अराइव कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अपने निर्धारित समय से सिर्फ 15 मिनट देरी के साथ। तो चलिए देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल। फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट शियालदा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में होगा और सेकंड पार्ट रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जयपुर के बीच में। तो दिल थाम कर बैठिए पार्ट टू के लिए। अंटिल देन बाय बाय।